हाय फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाला हूँ स्मार्ट केयर क्रैक सील, इसको एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। इसमें मान लीजिए कुछ तरीका है आपका, ये 3 अप टू 3 mm का आपका क्रैक ये बन हो जाएगा, और ये दोनों तरफ यूज़ कर सकते हो आप, इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंदर बाहर दोनों तरफ। और इसमें कुछ डायरेक्शन फॉर यूज़ लिखा हुआ है, तो आप लोग इस सबको पढ़ लीजिएगा। ऑयल ग्रीस ये सब पूरा अच्छे करके मार के, फिर प्राइमर मार के, फिर इसको एप्लीकेशन कीजिएगा। मैं भी ऐसे मार रहा हूँ, क्रैक सील का भी ऐसा मारा जा रहा है। आपको इस तरफ से भी लगाना पड़ेगा और फिर उस तरफ से भी लगाना पड़ेगा, लगा के फिर सामने से आपको फिर सीधा करके पत्ती से टांग देना, ये दोनों तरफ से होगा। तो ये हो गया आपका एशियन पेंट क्रैक सील का एप्लीकेशन प्रोसेस। आपका पकड़ लीजिए, छोटा मोटा क्रैक जो है इसे आपका बंद हो जाएगा। सर में वाटर प्रूफिंग करना है, अगर इसको बाद में दिखाएंगे हम कि इसको वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाता है। और ये एक क्रैक, इसको भी हम लोग ने थोड़ा चौड़ा कर दिया, इसमें भी हम लोग क्रैक सील मारेंगे। और वो आपका क्रैक सील मार रहा है, तो यहाँ से लेके वहाँ तक है। एशियन पेन स्मार्ट केयर सील इज ए फाइबर रिन फॉर सेट रेडी टू यूज़ क्रैक फिलिंग कंपाउंड फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सरफेस। और इसका कुछ डायरेक्शन फॉर यूज़ भी दिया हुआ है आपका, इंश्योर दैट द सरफेस इज फ्री फ्रॉम ऑयल, डस्ट, ग्रीस, लूज पार्टिकल एक्सेट्रा। और आपका वेट इन द क्रैक टू फ्रॉम ए बिग ग्रोप एंड प्राइम द सरफेस। इसको पहले आपको जो आपका क्रैक रहता है इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, बड़ा करने के बाद फिर उसको सूखे ब्रश से झाड़ के आपको प्राइमर मार लेना है। फिर आपका हो गया, फॉर इंटीरियर क्रैक्स यूज एशियन पेन डेको प्राइम वाटर बेस्ड प्राइमर, एंड फॉर एक्सटीरियर क्रैक यूज एशियन पेन एक्सटीरियर प्राइमर। तो मैंने इंटीरियर के लिए तो आपका इंटीरियर डैम शीट लगा दिया एक क्रैक सील कंपाउंड के लिए, और जो बाहर का है तो उसके लिए मैंने एक्सटीरियर वॉल प्राइमर अभी लगाऊंगा इसको। और इसके लिए तो मैंने अंदर पे इंटीरियर डैम शीट ही मार दिया, ये चलेगा आपका, ये ऑयल बेस नहीं है, वाटर बेस ही है। और फिर और भी है आपका, इस पर अप्लाई ए लेयर ऑफ एशियन पेन स्मार्ट केयर क्रैक सील एक्साइडिंग 3 सेंटीमीटर फॉर ईच साइड ऑफ द क्रैक प्रेशर द फर्स्ट फ्रेमली इन टू द क्रैक विथ ए स्पैटुला और पुट्टी नाइफ एंड लेवल विथ द सरफेस, दिस मस्ट बी अप्लाइड इन कॉन्सील्ड टिप। आपको इसको लगाने में जैसे कि क्रैक को आपने बड़ा कर दिया, फिर आपको प्राइमर एप्लीकेशन करना है झाड़ ओर के, फिर आपको पुट्टी ब्लेड से या कोई भी आप पत्ती उत्ती से आप लगा सकते हो, लेकिन इसको मारने के लिए आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल हिसाब से मारना पड़ेगा। प्रीपेंडिकुलर लेयर टू अवॉइड लीविंग एयर पॉकेट, इस पर आपको कोई किसी तरह के भी एयर पॉकेट लेना नहीं चाहिए, आपको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से टांग उनके मारना है, फिर सीधा करके टांगना है। अलाउ इट टू सेट फॉर 12 आवर बिफोर अप्लाइंग द सेकेंड कोट। अब सेकेंड कोट मारने के पहले मैक्सिमम तो आपको ड्राइंग टाइम तो देना ही पड़ेगा 12 आवर्स, एक दिन बाद। फ्यूचर फिनिश द पीओपी और पुट्टी कैन बी टेक इन अप वंस द कोट इज फुली ड्राई। ये आपको पुट्टी, इसके बाद में आप पुट्टी या पीओपी आपकी इसके ऊपर आप लगा सकते हो। डू नॉट अप्लाई फॉर क्रैक ऑफ मोर देन 3 mm थिकनेस। ये आपका 3 mm से जो ज़्यादा क्रैक है इसके लिए आप दूसरा, 3 mm से जो ज़्यादा क्रैक है इसके लिए आपको पीओ हाइब्रिड सीलेंट मारना है, इसका मैं वीडियो बनाऊंगा। और फिर है आपका, डू नॉट अप्लाई द टेम्परेचर बिलो 5 सेल्सियस और ऑन वेट सरफेस। दोस्तों, इसका बारे में जो जानकारी था मैंने दे दिया।
और बाद में मैं बनाऊंगा इंटीरियर डैम शेड का और इंटीरियर एक्सटीरियर डैम शेड का, फिर मैं बनाऊंगा आपका इंटीरियर वॉल प्राइमर और एक्सटीरियर वॉल प्राइमर। तो ये सब के बारे में जो है मैं अच्छे करके बता दूंगा कि आपको कौन से तरीके से यूज़ करना है। और ये मैं इंटीरियर डैम शेड इस सब में मारने वाला हूँ, जैसे कि आपका देखिए ये पूरा मैं वायर ग्लास से सफ़ा करा रहा हूँ, क्लीन करके फिर इसको अच्छी तरीके से साफ ऑफ करके फिर ये आपका इंटीरियर डैम शेड मारना है। इसके बाद हम लोग प्राइमर कोटिंग करेंगे, फिर जाके आपका पुट्टी मारेंगे, फिर आपका पेंट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, तो फिर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके।